हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ इंग्लिश हनी ट्यू बुक का चैप्टर सिक्स दिस इज जोडीज़ फोन तो सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या है इसमें है कि कई बार क्या होता है क्योंकि छोटी छोटी कट लग जाता है या जल जाता है हाथ पैर वगैरह तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय कुछ घरेलू नुस्खे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं तो ये जो स्टोरी है इसमें जो जोडी जो एक बच्चा है उसके फादर को काट लिया था एक रेटल स्टेक ने बिटन का मतलब होता है काट लेना, लेनाटल स्नेक एक टाइप का स्नेक होता है काफी जहरीला होता है और उतनी पूछ से काफी तेजी से वो आवाज निकालता है तो इस टाइप का वो स्नेक है तो अगर रेटल स्नेक काट ले और तुरंत ही उस पर किसी डो के हार्ट और लिवर का, जो है हार्ट और लीवर को उस पर लगा लिया जाए उस जगह पर जहाँ पर रेटल स्टिंग ने काटा है तो वो पॉइजन जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है अब जो, जो जोड़ी है वो ये सोच रहा है कि जो डो है उसको तो उसके फादर ने मार दिया है अब जो उस डो का बच्चा है जो फोन है उसका वो क्या होगा बिना अपनी माँ के डो देखिए होती है फीमेल डियर ना और फोन होता है उस डियर का बच्चा उस डियर का बेबी बेबी डियर होता है फ़ोन और डो होती है एक फ़ीमेल डियर तो यही थॉट्स जो हैं चल रही होती हैं अब तो इसमें स्टार्ट करते हैं तो जोडी जो है वो सोच रहा होता है और उसकी जो थॉट्स होती हैं सारी की सारी वो आकर के मतलब बार बार जा रही होती हैं एक फ़ोन पर मतलब डियर के बच्चे पर और उसका जो जोडी का माइंड है वो इस बात से दूर हो ही नहीं पा रहा होता है फिर वो अपने मतलब ऐसा लगता है ही हैड हेल्ड इट इन हिज़ ड्रीम्स इन हिज़ आर्म्स उसको ऐसा लगता है उसने उस फॉर्म फोन को अपने सपने में और अपनी आर्म्स में उसको पकड़ रखा है ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज़ फादर्स बेड साइड पेनी ले एट रेस्ट हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द पीपल वर्स टिल डार्क एंड डेलेटेड तो वो जो होता है जोड़ी होता है उसको नींद नहीं आ रही होती है मतलब वो ऐसे बेड पे हो लेटा हुआ हो होता है फिर वो एकदम से अपने उतरता है वहाँ से और अपने फादर के पास जाता है और जो उसके फादर का नाम होता है पेनी उसके फादर रेस्ट कर रहे होते हैं उनकी जो आइज़ हैं वो पूरी तरह क्लियर और ओपन होती है मगर जो प्यपल है जो ब्लैक वाला पार्ट है ना जो आइज़ का वो ऐसे लगता है जैसे कि अभी भी डार्क सा है और थोड़ा बाहर की तरफ को जैसे निकला हुआ है बड़ा हो गया है डायलेटेड का मतलब होता है एनलार्ज हो गया है बड़ा हो गया है फिर जोडी जो है अपने फादर से पूछता है कि आप अब कैसा फील कर रहे हैं तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि अब मैं मतलब सही हूँ जो ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर इसका मतलब है जो डेथ उसके सर पे मंडरा रही थी अब वो वहाँ से जा चुकी है मगर वो कहता है इट वाज अ क्लोज शेव इट वाज अ क्लोज शेव का मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा पास से आकर के गुजरी वो कहते हैं कि हाँ आई अग्री पैनी कहते हैं कि मैं बहुत प्राउड टू बॉय तुम पर कि तुमने अपना जो मुश्किल के कैप्ट योर हेड का मतलब है स्टेट काम डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब इतनी प्रॉब्लम हो गई थी फिर भी तुमने उसको अच्छे से हैंडल किया और काम रहे एकदम शांत रहे ख़राब कंडीशन में भी तो फिर जो जोडी होता है वो बोलता है कि फादर क्या आप जानते हैं कि जो फोन होगा उस डो का जिसकी डेथ हुई है जिसको हमने मार दिया है वो कहाँ पर होगा तो क्या आप उसे पहचानते हैं कि वो कैसा दिखता होगा तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं कैसे उसको भूल सकता हूँ पुअर जो डो था उसने मेरी लाइफ सेव की है और अब वो बेचारा फ़ोन मतलब कहाँ होगा तो फिर वो जो बच्चा होता है जोडी जोडी बोलता है कि मैं जो है उस फोन को आ, यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ क्योंकि वो जंगल में भूखा होगा हंगरी मतलब भूखा होगा और स्क्यड मतलब काफ़ी डरा हुआ होगा तो फिर वो यही बोलता है कि जोड़ी डी कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ मेरे को एक ही टाइम दूध पीने की ज़रूरत है और बाकी जो मेरा दूध होगा वो फ़ोन पी लेगा और कुछ टाइम में फ़ोन बड़ा हो जाएगा फिर मतलब वो ये कहता है कि हम फ़ोन को यहाँ पे ला सकते हैं क्या यहाँ पे ला कर के हम उसे पाल सकते हैं क्या अब जो पैनी थे मतलब जोड़ी के जो फादर थे वो बिल्कुल चुपचाप लेटे रहते हैं और ऊपर की तरफ स्टेयर कर रहे होते हैं सीलिंग की तरफ मतलब छत की तरफ वो देख रहे होते हैं फिर वो कहते हैं कि बॉय यू हैव गॉट मी हेमडन इसका मतलब होता है गॉट मी हेम्डन का मतलब ऐसी सिचुएशन में रख देना जिसमें आप ना नहीं कर सकते हैं तो वो यही कहता है कि बॉय मतलब तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में रख दिया है कि इस सिचुएशन में मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता हूँ और फिर जोडी बोलता है कि बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आएगा फ़ोन को मतलब वो करने में पालने में जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा वो लीव्स और एकॉन खाने लगेगा एकॉन छोटे छोटे ब्राउन कलर के लगे नट्स होते हैं फिर उसके फादर जोडी को बोलते हैं कि तुम तो अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो और श्योरली मतलब अनग्रेटफुल होगा काफ़ी ख़राब होगा कि अगर हम उस फोन को ऐसे ही जंगल में छोड़ दें और उसको ख्याल ना रखें तो फिर जोडी के फादर कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें ना नहीं बोलूँगा और मतलब हम उसे यहाँ पर ला सकते हैं फिर वो पूछता है जोड़ी अपने फादर से कैन आई कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट फिर वो कहता है क्या मैं मिलविल मतलब एक फॉरेस्टर होता है मिलविल जो जंगल में जाते रहते हैं उनके साथ जा कर के देख सकता हूँ उस फॉर्म को ढूंढ करके ला सकता हूँ तो फिर उसके जोड़ी के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम अपनी मम्मी से पूछ लो मैंने तो तुम्हें परमिशन दे दी है ही सेल्डेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन हिज मदर वॉज पोवरिंग कॉफ़ी फॉर एवरी वन तो जो जोडी होता है वो पीछे की तरफ चुपचाप बैठ निकल के चला जाता है अपनी मदर के पास जाता है मदर जो होती हैं वो सबके लिए कॉफ़ी जो है वो कर रही होती हैं पॉट्स में ग्लास में तो वो अपनी मदर से बोलता है फ़ोन कैन आई मतलब क्या मैं जो फ़ोन है उसको घर ला सकता हूँ तो मदर कहती हैं कि कौन सा फ़ोन तो वो बताता है कि वो फ़ोन जो डो जिस डोक को मतलब हमने मार दिया है उस डो का जो बच्चा है फ़ोन उसकी मैं बात कर रहा हूँ हमने उसका लिवर यूज़ किया पा के मतलब पापा के पॉइजन को निकालने के लिए तो फिर जो जोडी होता है वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या हम उसको लेके आ सकते हैं पा भी कह रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल होगा काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब होगा कि हम उसको ऐसे ही वहाँ पर मरने के लिए भूखा रहने के लिए वहाँ छोड़ दें तो माँ भी कहती हैं कि ठीक है मतलब तुम नथिंग जो है वर्ड में वो फ्री नहीं आता है जो अब तुम सही कह रहे हो और डैडी भी सही कह रहे हैं तो हम उस फोन को यहाँ पर लेके आ सकते हैं फिर वो मिलविल के साथ जो है वो जाने के लिए रेडी हो जाता है तो मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी आई विल हेल्प हिम फाइंड इट तो मिलविल जो है वो हेल्प करने की बात मान जाते हैं तो फिर She सेट down the pot helplessly। मतलब तो उनकी जो मदर होती हैं वो कहती हैं कि अब तो मतलब ये मानेगा नहीं और अब तो ये जाएगा ही जाएगा तो वो मिलविल के पास जाता है फॉर मिलविल जो है वो उसको जंगल में ले जाते हैं माँ बैक्स्टर आस्ट एनशियसली देखिए जो बैक्स्टर है ना, ये अब इसमें नाम आया है मगर ये जो बैक्स्टर्स हैं ये इनका सर है इनका, इनका जोरी के मदर फादर का जो है सर है बैक्स्टर तो माँ बैक्स्टर आसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग मतलब मदर मतलब उससे कहती है जोडी से कि तुम जो है काफ़ी ज़्यादा दूर मतलब मत जाना फिर जोडी कहता है कि मैं डिनर तक जो है वापस आ जाऊँगा फिर मिलविल जो है वो अपने घोड़े पर बैठता है जोडी उसके पीछे बैठता है देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है फिर जो जोडी है वो मिलविल से कहता है क्या तुम्हें तो लगता है कि जो फ़ोन है वो अभी भी वही होगा क्या तुम तो मेरी हेल्प कर दोगे तो वो बोलता है कि हाँ वो अभी अलाइव होगा और मगर हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो वही है हम उसे कैसे पहचाने के तो वो बोलता है जोडी कि जो स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल उसके जो बॉडी पे थे वो स्पॉट्स बिल्कुल एक लाइन में थे जो फ़ोन था उस पर पाने ऐसा बताया है तो उस स्पॉट्स को देखकर हम लोग जो है उसको पहचान जाएंगे अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें है कि जोडी गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ फोन दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग तो फिर फोन के बारे में सोच रहा होता है फिर वो वहाँ से निकल रहे होते हैं जंगल में से जो बिल्कुल आ, ऐसा अबेंडेंट मतलब जो छोड़ दिया गया होता है क्लियरिंग ऐसे रास्तों से निकल रहे होते हैं वो जंगल में जाने के लिए फिर आगे बोलता है ही सेट कट टू द नॉर्थ मिलविल It was up here. दैट पा गॉड बिटन बाय द स्नैक एंड किल द डो एंड आई सो द फोन फिर वो कहते हैं कि नॉर्थ वाली जो साइड है इस तरफ की इस तरफ जो है आप चलो यहीं पर जो है स्नैक ने पापा को काटा था और यहीं पर हमने जो है उस डो को मारा था और फोन को हमने देखा था फिर सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल विल विद हिम फिर एकदम से जोडी को लगने लगा कि मिल विल जो है वो उस टाइम ना रहे उनके साथ अगर जो फ़ोन If the फोन was डेड or could not be found, he could have his disappointment seen. तो ऐसा मतलब जोडी सोच रहा था कि अगर वो फ़ोन को नहीं ढूंढ पाया जोडी तो जो जोडी के face पर disappointment होगी तो मिल जो है वो उसको देख लेगा वो ये नहीं चाहता और अगर फ़ोन मिल गया उसे तो जो meeting होगी फ़ोन के साथ वो इतनी ज़्यादा lovely होगी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी वो उसे secret रखना चाहता है और ख़ुद तक ही रखना चाहता है किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता फिर वो कहता है ही सेट इट्स नॉट फार नाउ बट द श्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स आई कैन मेक इट ऑन फुट फिर वो मिलवील से कहता है जोड़ी कि अब जो है ज़्यादा दूर नहीं है जो श्रब है घास है वो बहुत ज़्यादा घनी है घोड़े के लिए अब मैं जो है आ, पैरों पे ही चला जाऊँगा फिर मगर मिलवील कहता है कि मुझे मतलब डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ जाऊँ तुम तो बच्चे हो तो आई सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय स्नेक टू फिर वो कहता है कि अगर तुम भी खो तुम खो गए या फिर तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो क्या होगा तो जोडी बोलता है कि मैं अपना ध्यान रखूँगा और बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा फ़ोन को ढूंढने में मैं जल्दी ही फ़ोन को ढूंढ के आ जाऊँगा फिर तो फिर जो वो जो होता है मिल वो कहता है ठीक है तुम्हें यहाँ का रास्ता पता है तो मैं तुम्हें यहाँ से चला जाता हूँ और तुम ध्यान रखना अपना ऐसे करके फिर वो चला जाता है देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग सो लॉन्ग मिल वील आई एम ओब्लाइज तो फिर वो बताता है कि इस तरीके से यहाँ पे जो डायरेक्शंस हैं वो है मेक्स अ बियरिंग का मतलब होता है देखिए एक्ट्स एज अ कम्पास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन तो यहाँ पे वो जो बताते हैं कि टॉल पाइन ट्री है एक वो आपको डायरेक्शन ईजिली आप बता सकते हैं कि किधर को उसको देख के नॉर्थ है कि साउथ है या ईस्ट है जो भी डायरेक्शन है उसकी हेल्प से बताई जा सकती है फिर मिलविल जो है वहाँ से चले जाते हैं ही वेटेड फॉर अ साउंड ऑफ द हुवस टू एंड देन कट टू द राइट द shrub वॉज स्टिल ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस तो फिर जो जोडी होता है वो उस श्रब के अंदर से जा रहा होता है फिर हूवस होते हैं जो घोड़े के पैर होते हैं ना जब तक उसकी आवाज़ आती है वो धीरे धीरे चल रहा होता है फिर जब आवाज़ आनी थोड़ी कम हो जाती है वो अंदर की तरफ जाता है जो जोडी है फिर वो श्रब्स को हटा हटा के जा रहा होता है क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स का मतलब है जो लक लग... पेड़ की टहनियाँ होती हैं ना उसके सिर्फ हल्का जब वो हटा रहा था उसको जोडी तो उसके हल्के हल्के टूटने की आवाज़ ही जो थी वो साइलेंस को ब्रेक कर रही थी वरना वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंस इफ ही हैड मिस्टेक ऑन इस डायरेक्शन फिर एकदम से जोडी को ये भी लगता है कि कहीं उसने अपनी डायरेक्शन जो है उसकी गलत तो नहीं हो गई है देन ही बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इन टू द एयर ही केम इन टू अ क्लियरिंग अंडर द ओक्स बजर्ड्स सेट इन अ सर्कल अराउंड द कैरास ऑफ द डो देखिए बजर बहुत बड़ी ज़्यादा बर्ड होती है काफ़ी बड़ी बर्ड होती है बजर जो होती है तो वो देखता है कि बजर जो है वो जो कैरास होता है ना उस डो का जिसको उन लोगों ने मारा होता है कैरास होता है जो कंकाल बाद में बच जाता है उसमें थोड़ा बहुत मांस होता है उसके चारों तरफ जो है वो बजर जो मांस को खाने वाली चिड़िया होती है ना वल्चर्स जैसे कि वो उसके बिल्कुल किनारे किनारे बैठी हुई होती हैं डो के दे टर्न देयर हैड्स ऑन देयर लॉन्ग क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हेम तो वो उसको मतलब अटैक कर करके खा रही होती हैं डो को मरी हुई चीज़ों को खाते हैं ना वल्चर्स threw his bow at them and they flew into the adjacent tree the sand showed large cat prints but the big cat cat killed fresh and they had left the door to the carrion birds तो so, मतलब वहाँ पर उसको कैट के भी प्रिंट्स दिख रहे होते हैं बड़ी कैट के जोड़ी को कि उसको डो को खाया होगा कैट ने भी और फिर कुछ बचा हुआ पार्ट जो है वो वल्चर खा रहे थे वो ये भी देखता है ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फ़ोन इट डिडेंट नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे तो वो उसको मतलब उस जगह पर वो घास हटा हटा के पहुँच गया होता है जहाँ पर उसने कल येस, येस्टरडे मतलब एक दिन पहले फ़ोन को देखा था उस जगह वो पहुंच गया होता है मगर वो देखता है फ़ोन उस टाइम पर वहाँ पर नहीं होता ही सर्कल द क्लियरिंग देयर वॉज नो साउंड नो साइन बजर्ड्स क्लैकर्ड देर विंग्स इम्पेशन टू रिटर्न टू देयर बिजनेस ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फ़ फ़ोन हेड एमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स तो फिर वह ढूंढा होता है फ़ोन को नहीं मिला होता फिर वो इधर उधर जो क्लियरिंग होती है आसपास का इलाका वो गोल गोल घूमने लगता है उसमें जोड़ी फिर वो देखता है कोई आवाज़ नहीं हो रही कोई साइन नहीं होता बजट जो है उड़ा दिया था ना उसने जोड़ी ने उसको चिड़ियों को वर्चर्स को वो बिल्कुल मतलब वेट कर रही होती है कि कब वो दोबारा अपने बिजनेस पर लगें मतलब दोबारा आकर के खाना स्टार्ट कर दें डो को जो बचा हुआ था वहाँ पर

फ़ोन को ढूंढ पाए मगर उसको कोई भी ऐसा साइन नहीं मिल रहा था पंजे जो थे रात में बारिश पड़ी थी उसने पंजों को बिल्कुल साफ़ कर दिया था और सिर्फ बज़र्ट जो चिड़िया थी और कैट के ही उस वहाँ पर पंजे बचे हुए थे अभी देखिए थर्ड पार्ट जो है हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू